माँ पिताजी हमको अपना लेंगे ना? क्या मैं पाठशाला जाऊंगा पढ़ने के लिए? क्या रोज पेट भर के खाने को मिलेगा माँ? यहाँ कहाँ के लिए आई है? अरे सुबह से पूछ रहा हूँ। ए रुको, अंदर कहाँ जा रही है? रुको। सुना, कौन है ये तुम्हारा? तुम्हारा लड़का है ये? देखो हम तुम लोगों से रिश्ता तोड़कर यहाँ पर आया हूँ, अब तुम लोग यहाँ पर का लेने के लिए आए हो बताओ? हमरा काट कर मार दे इसी वक्त और अपने बेटे का भी गला घोट दे, भीख मांग के खाने की नौबत नहीं आएगी हमको। हमसे लड़ने के लिए यहाँ पर आई है क्या? नहीं कमीने, तुमसे लड़ने बिल्कुल नहीं आई और ना ही तुम्हारे साथ रहने आई हूँ। तुम अपने इस लड़का को पढ़ाओ, काफी होगा। पढ़ाओ? हमको ना मास्टर है कहाँ, यहाँ हमको बदनाम करने आई है। चल दफा हो जा। कहाँ जाए हम और क्यों जाए, तुम्हारी जिंदगी पर हमारा भी हक है। ए कौन है तू और कैसा बेटा? जब तू ही इसकी पत्नी नहीं है तो कहाँ से आया ये बेटा? देखो जी मार के बाहर निकालो इसे। सुनो, कहो ये तुम्हारा ही लड़का है, एक बार बोल दे हम तुम्हारी पत्नी है। ए, चल, बोला हड्डी कहीं के मंदिर में जाके भीख मांग। एक बार बोल देना, मैं चली जाऊंगी, अपने बेटे को तो अपना लो। हाथ हटा, इनको किसने हाथ हटाने को कह दिया? तुम्हारी तो किसने हाथ उठाई तूने रे? अपने हाथ को समझती क्या है? चल बाहर निकल। अरे बाहर निकल, अरे हट, चल बाहर निकल। अरे चल हट, कटर के पिल्ले, पता नहीं किसकी औलाद है ये। अरे बाहर निकल वरना काम कर दूंगा मैं। चल बाहर निकल, अरे हट, चल चुपचाप। अरे अरे फिर आ गया कटर के पिल्ले, आए चल बाहर, चल। उठो माँ, उठो माँ, उठो माँ, उठो माँ, उठो ना सर, रुकिए सर, सर मेरी माँ को बहुत चोट लगी है सर। कहाँ है बेटा? वहाँ पर। तुम यही रुको, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। आइए डॉक्टर साहब। इनको मरे तो आधा घंटा हो गया है। ए, कौन है बे तू? चलो उठ। यहाँ क्यों सोया? अरे मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तेरे से यहाँ क्यों सोया? सब मत मारियो मुझे। जेब में क्या तेरे? हाँ नो नोट है क्या? चल चल सबके पास। कौन है तू? शहर में नया है तू? अनाथ लगता है। साहब कल मेरी माँ मर गई। ओह, आज से तुम अनाथ हो गए। करना अभी अभी ताजा अनाथ हो गया है। ए, उस वाइन शॉप में जा और हाफ बोतल लेकर आ। जा। पैसे? अरे जा, अपना दिमाग लगा और ले आ। इसको जाकर जीप दिखाना, वो खुद दे देगा तेरे को। करना जी सर, इसको काम पे रख लेते हैं। रख लेते हैं सर। ए, क्या हमारे लिए काम करेगा? मैं पढ़ूंगा। पढ़कर भी तो काम ही करेगा ना तू? हैं? मैं तो तुझे अभी से काम पे रख लूंगा। बोल, सब काम करेगा ना? करूंगा सर। बोल, नाम क्या है तेरा? राम कुमार। ची, ये मेरे पिता का नाम है। तुझे सिगरेट दारू वगैरह लाने के लिए भेजूंगा मैं, फिर इस नाम से कैसे बुला सकता हूँ? करना सर, इसके लिए बढ़िया नाम सोचो। सर आप खुद ही कोई अच्छा सा नाम क्यों नहीं दे देते इसे? वैसे लड़के में बहुत दम है, बिल्कुल बम के गोले की रफ्तार है। गोला गोला, तेरा नाम क्या है बोल? गोला। शूटिंग में दीनदयाल हमारे बारे में कुछ बोलता आ रहा है, हालांकि में उसका मुख्य कारण कौन है? वही उसका बायां हाथ बना हुआ, वो खादी का लुंगी पहने चश्मे वाला, उसको तू लुड़का दे। मैंने जो पैसा उसे दिया था उसका सूद ना देकर उल्टा
मुझे चकमा दे रहा है। सुना उसका एक बंगला है, उसे मेरे नाम करना है, ठीक है? साहब अपन दस्तखत नहीं करेगा। अरे दस्तखत तू नहीं करेगा तो तेरे ये हाथ किस काम के? गिरेश बर्थडे केक काटो। सब कुछ मत कीजिए सर, हम आपके हाथ जोड़ते सर, कुछ मत कीजिए। हमारे डिपार्टमेंट में एक सीनियर मुझे बहुत परेशान कर रहा है, उसे खत्म कर दो। उसे उसको मारना होगा, किसी एविडेंस के बिना उसे मारना होगा। उसे मार दो और शाम को अगर पैसे ले जाओ। कौन चाहिए? मोसेस जी, कहिए आप। मैं गोला। थैंक यू। सर हमारे बम्बई में आप सबसे बड़े फाइनेंसर हैं, आप अगर आप चाहें तो हमारी फिल्म पूरी हो सकती है। पैसा लगाऊंगा लेकिन पैसों का सूद पूरे का पूरा एडवांस में ही लूंगा, और पूरा पैसा फिल्म खत्म होते ही तुम्हें देना पड़ेगा, वरना गोला तुम्हें खत्म कर देगा। भारतीय शराब को मानने वाला, सॉरी भारतीय संविधान को मानते हुए मनी माथुर नाम का मैं इस देश की अखंडता, मान्यता, सभ्यता और रीति रिवाजों का पूरे सामर्थ्य के साथ रक्षा करूंगा, ऐसा मैं राज्य मंत्री के कार्यभार को संभालने की शपथ लेता हूँ। भाई जैसे मैं मुर्गियों को काटता हूँ आप आदमियों को काटते हैं ना? मरे हुए को नहीं काटता मैं पगले। ठीक, जैसे मैं मरी हुई मुर्गी को काटता हूँ आपके काटने के बाद वो मरते हैं। आइए। नमस्ते गोला भाई। हाँ नमस्ते नमस्ते। जानते हो ये कौन है गोला? रमेश वर्मा, बस स्टैंड पर इनका नाम सोनेर अक्षरों में लिखा है। वही जनाब है, बड़ी मालदार पार्टी है भाई। गिरेश क्या चाहता है पूछ, हाथ पैर या उसकी जान? इसको खत्म करना होगा, 25 लाख रुपए दूंगा। खुद ही काम बता के खुद ही रेट बोलता है, मैटर क्या है जरा पूछ इससे, माल कितना होगा हम बोलेंगे। इसके वास्ते 25 कम पड़ेगा, 40 मांगता है। देखिए मैं कमिश्नर मुकुल रावत को अच्छी तरह जानता हूँ। क्या बात कर रहे हो, पहले ये बात बोलते तो 60 लाख बोलता ना मैं। रेट मत देखो, काम पूरा होगा समझ लो। 40 मुझे कुछ ज्यादा लगता है। बात सुन, किसी को उड़ाना है ना तुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा, फिर पैसे भी तेरे पास बहुत हैं, फिर बार्गेन क्यों कर रहा है? एक बार कहानी खत्म हो जाएगी उसके बाद उसका श्राद्ध थोड़ी ना करना है हर साल तुझे। पार्टी कब और कहां पहुंचेगी बोल। हेलो 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 ओ माय डार्लिंग।
अभी तो आई हो, रहेंगे साथ साथ रात भर, करीब आ न दूर जा, प्यार की बात कर। एक दूजे में खो जाएंगे, एक दूजे के हो जाएंगे, देख के मेरी अंगड़ाया सब दीवाने हो जाएंगे। हेलो 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 ओ माय डार्लिंग, आई लव यू लेडी चार्मिंग। जी भर के लूटेंगे मस्तिया, जी भर के झूमे नाचे हम यहाँ, बिजली भरी है मेरे पाँव में, आ जाओ ना प्यार की छाँव में। पर्दा तो लगा कम से कम। अबे घर में पता है या छुप छुप के? तुम्हारे सरदार बाजार रहे हैं। क्यों रे गोला, कल तो खूब नाचा मैंने सुना। मेहनत करके खूब कमा रहे हो क्या? तभी तो गोला है। हाजी वो तो गोला है, सिर्फ गोला, बारूद तो आप हैं। सुना है 20-30 की सुपारी लेने लगे हो। बहुत बड़े होते जा रहे हो। मैं चलूं? आपकी तारीफ करूं तो उसे पसंद नहीं, इसलिए जा रहा है। ये क्या बोल रहे हो धर्मा? आपको एक बात मालूम है, कल पार्टी से इसने 25 लाख बोल के इनको बिल्कुल आधा ही दिया। क्यों? वैसे गोला ने 40 लाख पार्टी से जरूर लिए हैं। अरे गोला, अरे 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 तू ले देखो मुझे, अरे अरे देखो तो मुझे, गोला छोड़ से, देखो तुम्हारा, अरे 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 छोड़ दो छोड़ दो कुत्ते, तूने मुझे 40 लाख लेते देखा क्या? बोल, जेब गरम करके झूठा निवाला खाने वाला तू, मुझ जैसे गोला बारूद से टकराएगा तो खल्लास हो जाएगा। गोला छोड़ यार उसे, वो एक शकी निजाज आदमी है, तुम्हारे बारे में नहीं जानता क्या मैं? अरे तुझे पाला पोसा है मैंने, छोड़ उसे छोड़। ठीक है चलता हूँ। हाँ तो अभी जा गोला। ये 40 पेटी का मेट्रोल सर्वे को कैसे मालूम? हमें दिया उसने बोला होगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12। अरे क्यों इतना उछल कूद कर रही है, गिर जाएगी। अच्छा दीदी। 17, 18। कहाँ है तुम्हारा पति? मुझे क्या पता, झूठ मत बोलो, मैंने अभी उसे यहाँ पे आते हुए देखा था। सुनिए साहब, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ऐसा लगता है तो आप खुद जाकर अंदर ढूंढ लीजिए, उसे यहाँ आए तो महीनों हो गए। अब तक उत्तर 15 केस आ चुके हैं, अगर घर है तो सीधा से स्टेशन भेज देना, नहीं तो तुम्हें पकड़ कर लेके जाना पड़ेगा। बता दूंगी साहब, बता दूंगी। हमको छोड़ दीजिए साहब, साहब आइंदा गलती नहीं करेंगे। छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए, इनको मत ले जाइए सर, प्लीज छोड़ दीजिए इनको। क्यों रे बेशर्म, तूने मेरे पति को पुलिस वालों के हवाले करवा दिया। देखो तुम्हारे लिए तुम्हारा पति परमेश्वर है, लेकिन दुनिया की नजरों में चोर है, इसीलिए पकड़वाया। तो उस पुलिस वाले की रखेल है क्या? आज तो जिंदा होती तो मेरा यह हाल नहीं होता मां। डर क्या है पता नहीं मुझे, प्यार क्या है मालूम नहीं मुझे। यह सब मालूमात होने तक तू मेरे साथ होती तो अच्छा होता मां, तू तो चली गई, अब तेरी जगह कौन ले सकता है। पति को मंत्री पर शक होने लगा है, अब पुलिस इसमें दखल नहीं दे सकती, ऐसी हालत में हम उसे एनकाउंटर भी नहीं कर सकते सर। मालूम है गोला यहाँ पहुंच रहा है।
आओ गोला। नमस्ते जी। बैठो। नमस्ते सर। ए, पशुपति को खत्म कर दो। काम खत्म होते ही गिरीश से मुझे फोन करवा देना। उसे खत्म करने से तुझे प्रमोशन और मुझे भी प्रमोशन। तू नंबर वन दादा बन जाएगा और मैं नंबर वन पुलिस ऑफिसर। ये लो मेरा गन यूज करो तुम। पशुपति को खत्म कर दिया। आपने बोला और मैंने कर डाला। तभी तो तेरा नाम है गोला, बम का गोला। चलता भाई गिरीश चल। बड़ा दादा पशुपति एनकाउंटर में मारा गया। मुकुंद रावत की हिम्मत। महाराष्ट्र में मेट्रो रेलवे योजना अगले 3 सालों में पूरी होगी। चिंपू चिंपू थोड़ा वो पेपर मुझे देना। माँ? हाँ माँ, देखा वो गुंडे पशुपति को पुलिस ने गोली से उड़ा दिया। भगवान है ना। वो गिरीश की है, बगल में जो है गोला की है, सब गड़बड़ है। चोले लो मजा आ मेरे साथ रा, आ झूम ले जरा आ मेरे संग संग ना चोले लो मजा। आ ये मेरी आशिकी मेरी दीवानगी, ये मेरी आशिकी मेरी दीवानगी।
छोरी गोरी गोरी तेरी जालिम अदा ले गई दिल चोरी चोरी बन गई दिल रुबा मस्ती भरी रात आई है दिल भर हम भी तो ले ले मजा बहके अगर तू तो बहकने तो दिल को जो होगा देखा जाएगा अरे होते हैं यारा बड़े दिल जले और तेरा भी दिल ये जला डालेंगे करना ना फिर मुझसे शिकवे गिले खोया खोया ये समा है उस पे हम तुम जवान पास आओ फिर मिलेगा ऐसा मौका कहाँ बात बाकी यूं न लो इंतहा मैं जलूंगा तुम जलोगी बन जाएगी दास्तां धीरे धीरे बढ़ रही है बेकरारी तुम बिन रहा जाए ना चोरी चोरी आज लूट ले ये मस्तियां रुतिए चली जाए ना ये पल रुके ना तू क्यों सुने ना अरे ये पल रुके ना तू क्यों सुने ना बैंड बजा के फाड़ दिया ना yes. एक नामी गुंडे का एनकाउंटर करके आपको कैसा लग रहा है सर जनता के मन को कैसा लगता है हम तो खुशी मिली सर मुझे भी सर गुंडे पशुपति को मारने में आपको अपनी जीत नजर आती वो है वो तो मेरा फर्स्ट था इट्स माय ड्यूटी नेक्स्ट सर आपको प्रमोशन मिला है ऐसा सुना है हमने उसके बारे में जनता को मैं हार्दिक बधाई देते हुए शुक्रिया अदा करता हूं थैंक यू कांग्रेचुलेशंस सर थैंक यू सर दरअसल हम वुमन सेंट मेरी कॉलेज से आए हैं गुंडे पशुपति का एनकाउंटर करने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद ऐसा करके आपने फर्जी नहीं निभाया इतिहास भी रचा है सर थैंक यू सर हमारी गाड़ी वो है अरे मिठाई हमको भी चाहिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तुम मंगा लो एक प्लेट बिना बताए हमें नाश्ता वगैरह खिला रहे मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं चाहिए ये उसका खूब ख्याल रखेगा इसकी जिम्मेदारी मेरी 8 तोला सोना है और शादी का खर्च 2000 रुपए दूंगी बस हमें कोई दहेज नहीं चाहिए शादी कहाँ करेंगे ये बताइए नहीं बेटी भूल जाओ उसे वो लोग सिर्फ मंगलसूत्र तोड़ने का ही धंधा करते हैं फिर भी माँ मैं गिरीश से ही शादी करूंगी
गोला को उड़ा के आओ बोला मैंने, तो बिना खत्म किए सामने खड़े हो। देखो चाहे कुछ भी करो, गोला जिंदा नहीं बचना चाहिए। अब जाओ। गोला से मिलना मुझे। महबूबा महबूबा मैं डूबा एक डीलिंग करनी है मुझे। हाँ भाई बैठो। बैठो। ए गिरीश। अरे भाई नई पार्टी आई है। क्या मांगता है? मैं डेविस सिल्क कंपनी के ओनर का बेटा हूँ। देखो मेरे साथ कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है, उस लड़की के चेहरे पर एसिड फेंकना होगा। उसे मैं बहुत चाहता हूँ, उसे सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार अपनी वैन में ले जाके उस लड़की के साथ मैंने रेप करने की कोशिश की, तो उसने बगल में रखे एसिड बोतल को निकाल के मुझ पर एसिड डाल दिया। तब से मेरा हाथ ऐसा हो गया है, मैं भी उसकी खूबसूरती बिगाड़ना चाहता हूँ। बस इतना ही काम है ना? कितना दोगे? 1,00,000। पांच लाख। तब तो सिर्फ नाक तक ही डाल पाएंगे। तो फिर 6? चल जगह खाली कर, बहुत हो गया। चल तो फिर कितना चाहिए बोलो ना। पूरे 10,00,000। ओके अभी 5 पकड़ो एडवांस समझो। पूरा पैसा हमें चाहिए, भरोसा है तो रखो वरना दफा हो जा। ठीक है देता हूँ। आधा किलो बैंगन देना। अच्छा बैंगन चाहिए और वो बीन्स भी देना। और क्या चाहिए? नहीं नहीं ये वाले नहीं, वो वाले। अच्छा वो वाले बड़े वाले बैंगन। अभी बता अभी देता हूँ। फोटो वो मेरे पिताजी हैं, उनको तो मैं जानता हूं। पिताजी को गुजरे तो 7 साल हो चुके हैं। गोला तुम्हें लड़की पर एसिड फेंकने के लिए कहा था, क्यों नहीं फेंका? क्यों गिरीश? उठा अपने पैसे। कह तो रहे थे जो बोलूंगा वो करोगे, बड़े बड़े डायलॉग मार रहे थे, अब क्या हुआ? पैसे उठा और जा यहां से। मुझे पैसा नहीं चाहिए, जैसा मैंने कहा था तुमने वैसा क्यों नहीं किया? बोला ना पैसे उठा और जा यहां से। मैं नहीं लूंगा, उस लड़की को बर्बाद किए बिना नहीं छोड़ूंगा। एक बात सुन, उस लड़की का ख्याल अपने जहन से निकाल दे तू। अरे क्यों निकाल दूं? उसने मेरे साथ क्या किया जानते हो ना? बताया था ना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा चाहे कितना भी खर्चा हो। दूसरे से उसके चेहरे पर एसिड डलवाऊंगा, दूसरे से। क्या बोला तू? एसिड डलवाएगा? एसिड डलवाएगा तू? एसिड ला रहे। ए गोला क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? छोड़ छोड़ दे, तुझे ठोक डालूंगा कुत्ते। निकाल छोड़ दे, छोड़ छोड़। जरा बच्चे को देखो, उठाने की उम्र भी नहीं है उसकी, कोई सहारा भी नहीं है उसका। ये लो। ये ले पानी पी ले, नहीं चाहिए। क्या हुआ भाई? गिरीश मां की मौत अभी भी मेरे आंखों के सामने आती रहती है। जब उस लड़की के घर में मैंने उस आदमी की फोटो देखी तो मुझे पसीना आ गया, जिसके बाप ने मेरी मां का अंतिम संस्कार करवाया, उस पर एसिड फेंको। गिरीश क्या रे, कुछ पता चला? उस लड़की का परिवार बड़ी मुसीबत में है। वो लड़की कॉलेज में पढ़ती है, उसकी दो बहनें भी हैं। उसकी मां घरों में काम करके किसी भी तरह परिवार चला रही है। उस लड़की के वास्ते कुछ करना पड़ेगा, उस परिवार को खुशहाल करना होगा। कल वो लड़की इंटरव्यू के लिए जा रही है।
की नौकरी के लिए फिट रहना बहुत जरूरी है। क्या सुबह से आपने कुछ खाया नहीं? लगता है भूख से चक्कर खाकर गिर गई होंगी। अरे इतनी सी बात पे रो रही हैं? आपके पिता को मैं अच्छी तरह जानता था, वो मेरे लिए भगवान से बढ़कर है। आपसे कुछ बात करनी है मुझे। ये नौकरी मुझे मिलेगी इसकी बड़ी उम्मीद थी मुझे। माली हालत की वजह से नौकरी ढूंढ रही है ना आप? वैसे आपके परिवार पर कोई मुसीबत ना आए इसके लिए मैं सब संभाल लूंगा। मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या किया था? आपके पिता ने जो मदद की है उसे मैं कभी नहीं भुला सकता। ऐसा क्या किया उन्होंने? मैं बता दूंगा तो बदले में मैंने कुछ मदद कर दी जैसा होगा। देखो मैं आप लोगों की मदद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप मेरी मदद करेंगी अपने पिता का एहसान चुकाने का मौका देकर। इतनी इज्जत है मेरे पिता के लिए? तुम्हें क्या चाहिए बोलो। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरी मदद करने की सोची वही बहुत है। तुम्हें नौकरी चाहिए? मैं दिलाता हूँ। कैसी नौकरी चाहिए बताओ, मैं दिला सकता हूँ। मुझे तो पुलिस की नौकरी चाहिए। ये तो पुलिस के पीछे ही पड़ गई। तुम पुलिस की नौकरी पर ही क्यों अटकी हुई हो? मेरे पिता एक ऑटो ड्राइवर थे, उन्होंने एक गुंडे को किसी का खून करते हुए देखा था। पुलिस की पूछताछ पर उन्होंने उसे पहचान कर पुलिस के हवाले कर दिया। यही था वो सर? इससे उन पर गुस्सा होके उनके बॉस ने एक दिन मेरी नजरों के सामने ही मेरे पिता को चाकू से मार डाला। मर साले। मेरे पिता के मरने के बाद ही मुझमें हिम्मत आई। मुझे खून खराबा पसंद नहीं, तभी पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ। वैसे आप क्या करते हैं? बिजनेस। कैसा बिजनेस? वो क्या है, पैकिंग, पैक करके ऊपर भेजने वाला बिजनेस। ऊपर मतलब फ्लाइट से पार्सल भेजते हैं? करेक्ट, सही पहचाना। ऑटो में बैठ के चली जाओ। नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। नहीं, आज एक दिन चले जाओ, कुछ नहीं होगा। आपका नाम क्या है? राम कुमार, बेटा राम कुमार। राम कुमार। नलीना। ये लो। जी। ये जहाँ बोलेगी छोड़ देना, ठीक है? ठीक है साहब। चलता हूँ। क्या रे, कितनी सुंदर है, लेकिन पुलिस की नौकरी के पीछे पड़ी हुई है। माँ के ऊपर ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ ये देख। तुम्हारे पिता की पहचान का कोई है जो मदद करना चाहता है, ऐसा बोल के ये सब कुछ दे गया। तुम्हारे पिता मरने के बाद भी हमें पा रहे हैं। साहब जी, ये टेलीफोन बॉक्स इधर रखूं या और कहीं? ये सब क्या हो रहा है जी? भाई ने आपके घर के पास ही फोन लगाने को बोला था, फोन तो लगा दिया है। भाई से जरा बता दूं, फोन करता हूं। हैं? मैंने फोन लगवा दिया। प्रसाद बना दिया? फोन लगवा दिया। अबे प्रसाद बनाया नहीं? भाई फोन लगवा दिया। अबे मंदिर में प्रसाद ही तो चढ़ाते हैं। आपने घर के पास फोन लगाने को कहा था ना? अबे बगल वाले से मेरी बीवी का कनेक्शन हो गया, उसको डिसकनेक्शन करो। अरे रॉन्ग नंबर लग गया तो फोन पर इतनी बकवास क्यों कर रहा है? सुन, मैं गोला बोल रहा हूँ। भाई मैं ही बोल रहा हूँ। उन्हें जरा फोन दे, बात करनी है मुझे। मैडम फोन। अब मैं चलू? नहीं देखो, आप बात कीजिए, मैं चलता हूँ। मोबाइल टू ऑनलाइन सक्सेस। मैं राम कुमार बोल रहा हूँ। आप हैं? मैं भी आपसे फोन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं देखने के लिए फोन किया मैंने। वैसे कुछ चाहिए आपको? मुझे आपसे मिलना है, क्या आप मिलेंगे? फूल कितने के दिए भैया? 10 रुपया। उससे कम ही नहीं आएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, इतने महंगे बेचोगे तो अपने सर पे लगाने पड़ेंगे सारे फूल। बहन फूल ले लो, बहुत ताजे हैं। ये कितने का है? 10 रुपए का। आजकल व्यापारी कहाँ है, सिर्फ परेशानी परेशानी। पंगा लेके आता हूँ। ए, अपने हाथ को काबू में नहीं रख सकता क्या?
फूल अच्छे लगे तो छूकर देखते हैं ना, उसी तरह तुम्हारी कमर अच्छी लगी तो छूकर देखा और क्या। अच्छा चाकू मारेगा, मुझे मारेगा? मार, अरे मर्द का बच्चा है तो मारना, मार मार के दिखा, मारना कहाँ जा रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं, उस लोफर ने मेरी कमर पर हाथ रखा तो मैंने उसे खींच कर मारा। इन गुंडों से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हाँ। अगर डरे तो फंसे, मैंने उसे गुस्से से देखा तो वो डर कर भाग गया। हंस क्यों रहे हैं आप? नहीं, वो आपको देखकर भाग गया ना। वैसे आप बहुत हिम्मत वाली हैं। बिल्कुल, पुलिस में भर्ती होने के बाद देखना। शहर के एक भी गुंडे को छोड़ोगी नहीं तुम? मैं सबको डरा के रख दूंगी। किरण बेदी की तरह इसने तो ठान ही लिया है। ये किस लिए? बुके के बदले ये फूल। मेरे पिताजी ने आपकी मदद की, इसलिए आपने हमारी मदद की। थैंक्स। थैंक्स वैंक्स छोड़ो, उस पीसीओ को तुम अपने फोन की तरह यूज कर सकती हो। मैंने सबको नंबर तो दे दिया है। 9867184156। आप तो गलत बोल रहे हैं। अरे ये मेरा सेल नंबर है। क्या हुआ? नहीं, मैं आपका नंबर याद कर रही हूँ। घर के सभी लोग आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। ए, इधर आ, जरा एक कार्ड दे मुझे। देखो मेरे फ्रेंड की शादी है, पूरी फैमिली के साथ आना। क्या जी, इस पर तो नाम भी नहीं लिखा। क्या है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं। अब मैं चलूं? सर अंदर है क्या? वो अभी तक नहीं आए। गाड़ी बाहर खड़ी तो क्या उसे धोने के लिए बोला है तुझे? मुकुंद रावत का पाला हुआ कुत्ता हूँ, वो भी पालतू कुत्ता। वो कहाँ होंगे मैं जानता हूँ। चल लगा फोन। किसे भी अभी पूछना था। हेलो, गुलाब से मिलना चाहता है। आ रहा हूँ, अब फोन रख दे, जाओ। यहाँ कैसे आए? गिरीश की शादी है, इसके लिए कार्ड देने आए। आपको जरूर आना है। मैं नहीं आ सकता गोला। शादी करके आने दो, अपने अड्डे में पार्टी देंगे उसे, हैं? मेरा आना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे तुम्हारे रिश्ते बिल्कुल अलग हैं। समझा करो। चलता हूँ सर। चलता हूँ सर। माँ का श्राद्ध है, मंदिर में अन्नदान हो रहा है, आप सब लोग पेट भर के खा के जाइए। आइए। तने जल्दी परोसो भाई। अरे ऐसे काहे देख रहे हो, बहुत जोर की भूख लगी है। बाबा थोड़ा अंदर चलिए ना। काहे? आपको भैया ने बुलाया है। अरे भाई भूख से जान निकल रही है, खाना खाकर तुम्हारे भाई से मिल लूंगा। भाई अपने हाथों से आपको खाना खिलाना चाहते हैं। अपने हाथों से खाना खिलाएंगे तब तो सब्जी मांस मच्छी सब कुछ मिलेगा। सब मिलेगा। आइए आराम से। क्यों ये अन्नदान हो रहा है पता है तुझे? सुना है तुम्हारी माता जी का श्राद्ध है। खा, मेरी माँ कैसे मर गई जानता है तू? ये हमको कैसे पता चलेगा भाई, बताओ। तुझे बताऊंगा तो मेरी माँ वापस जिंदा होके आ जाएगी। वो कैसे मुमकिन होगा? मुमकिन नहीं ना, तो फिर खा। आप खाइए ना, आप खाइए ना, खाइए खाइए। वैसे इतने दिनों से तो इसी शहर में था क्या? आज ही यहाँ पर आया। अच्छा ये बता तुझे भिखारी किसने बनाया? हमको खाना खिला रहे हो या उल्टे सीधे प्रश्न कर रहे हो? देखो ये खाना खिलाते वक्त इस तरह के सवाल नहीं करते, मालूम है ना? चल खा। मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगना ही तेरा पेशा है ना? जिंदा रहने के लिए भीख मांग रहा हूँ भाई। बाकी लोग क्या,
बंगला बनाने के लिए भीख मांगते हैं? हम उल्टे सवाल काहे करते हो भाई, बताओ। तुझ जैसे भिखारी को अपने सामने बैठ के खिला रहा हूँ तो तू मेरे सवालों का जवाब नहीं देगा? अरे ठीक है भाई, हम खाना खाने के बाद तुमसे बात करूंगा। बात करते हुए खाएगा तो नहीं उतरेगा गले से? अरे बाबा कौन हो तुम भाई? खा तो पेट भर के खा, बीवी बच्चे कोई नहीं है क्या? सोच क्या रहा है तू? महालक्ष्मी जैसन एगो पत्नी थी, उसे पीट कर हमने बाहर कर दिया था, दूसरी औरत को अपनाया था, उसने एक वक्त का खाना भी नहीं खिलाया और रुलाया भी, इसीलिए तेरी यह हालत हुई है। अरे भाई ये सब ऐसे नहीं हुआ है, ये सब तो बीमारी की वजह से हो गया है। अपनी पहली बीवी के बच्चे को ढूंढा नहीं तूने? अरे माँ और बेटा हमारे तरह मंदिर में कहीं भीख मांग रहे होंगे। बेचारे। कौन बेचारे? वही माँ और बेटा। अब अगर मैं तुझे पानी ना पिलाऊं तो तुझे पाप कहेगा या पुण्य? पाप। पानी पानी दो बेटा, पानी पानी पानी। नहीं, पुण्य कहेंगे, क्योंकि अब मैं तुझे पानी दूंगा तो तेरी जान जाने में देर लगेगी। अरे अब तो पिता समझ के पानी पिला दो बेटा। बदकिस्मती से तू ही मेरा बाप है। ऐ मुरारीनाथ, मैं ही तेरा बेटा हूँ। मार कर बाहर निकाल दिया था जिस महालक्ष्मी को, मैं उसी का बेटा हूँ। पूरे शहर को खाना खिलाया लेकिन तेरे खाने में जहर मिलाया। समझ ले यमराज हूँ मैं, तुझे मरते हुए देखूंगा। 25 साल तक तुझे ढूंढा मैंने, आखिर तू मेरे पास आकर ही फंसा ना। एक मरी हुई माँ और मरते हुए बाप दोनों का श्राद्ध करने वाला दुनिया का पहला बेटा हूँ मैं। हर साल मेरी माँ का श्राद्ध करके बहुत धर्म का काम करता हूँ मैं, लेकिन आज जो धर्म करने जा रहा हूँ मैं, वही मेरा इंसाफ है। अब हम दोनों का दुश्मन बन गया है। उसे मरना होगा। जब मेरा मंगलसूत्र उजाड़ा उसी दिन मैं उसे मार देती। भाभी गोला के साथ जो रहता है उसकी शादी है आज। भाभी मौज मस्ती करते होंगे दारू पी के, मौका अच्छा है, मार डालते हैं। शुरू करें भैया। माँ वहाँ जो लंबे बालों वाला नजर आ रहा है ना, वही है पिताजी की जान पहचान वाला। रामकुमार यही है। नमस्ते बेटा। ये मेरी सिस्टर्स हैं। नमस्ते। तुमने जो हमारी मदद की उसके लिए शुक्रिया। ये कोई मदद नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। बैठिए ना। आर्या, क्या गोला? कोई हमें फॉलो कर रहा है, उसे उठाते हैं। ये हमारे खास लोग हैं। नमस्कार। माँ मैं राम कुमार को बता कर आती हूँ। ठीक है। हाँ?
अब हम चलते हैं। खाना खा लिया ना? हाँ, खा लिया। थैंक्स। गिरीश की शादी वाले दिन एक कॉमेडी थी, जानते हो क्या? कैसी कॉमेडी? भाई दूल्हा क्या करता पूछा तो कह दिया पुलिस में है। दूसरों ने पूछा तो क्या बोला मालूम है? हफ्ता वसूली करने वाला। पुलिस की बात से याद आया गोला, उस लड़की को पुलिस क्यों की दिला रहे हो क्या? भाई छतरी लाऊं क्या? क्यों? बारिश बड़ी तेज हो रही है ना। तो क्या हुआ? छतरी ले आता हूँ। अरे किस लिए? क्योंकि मुझे कोई काम नहीं है। ठीक है, एक काम बताता हूँ, तू करेगा? मेरे हाथ तलप रहे काम करने के लिए। पेड़ पौधों को पानी दे दे। बारिश हो रही है ना, तो छतरी पकड़ के पानी देना। बारिश हो रही तो पौधों को पानी क्यों? तभी तो बोल रहा हूँ पौधों पर पानी ना गिरे, इसलिए छतरी पकड़। बोर हो रहे हो तो जाता हूँ। अरे तो बोल रहा हूँ ना, छतरी पकड़ के बाहर जा। ये छतरी है, मैं जा रहा हूँ। हेलो जी, मैं नलीना बोल रही हूँ। हाँ बोलो। माँ आपसे बात करना चाहती है, बस एक मिनट के लिए। कल शादी में तुमसे कोई बात नहीं हो पाई, अपने परिवार के साथ हमारे घर आओ ना। परिवार? मेरा तो अपना कोई भी नहीं है माँ जी। ठीक है, तुम ही आ जाओ। अच्छा मैं जरूर आऊंगा। रुको, ऐसा क्या कह दिया जो माँ का चेहरा ही बदल? कोई नहीं है, मेरा ये बोला था। क्यों, हम सब नहीं है क्या? अब तो आज से मेरा भी इस दुनिया में एक परिवार है। क्यों? आज मेरा दिल खुश हो गया तुम्हारी इस बात से। अब तुम्हें भी एक खुशखबरी सुनाता हूँ मैं। क्या है वो? तुम्हें मैं पुलिस की नौकरी दिलाऊंगा। अच्छा, वो कैसे? कुछ पुलिस वालों को मैं जानता हूँ। मुझे पुलिस की नौकरी मिल जाए तो अब क्या बोलूँ, समझ में नहीं आता। अगर मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा तो क्या दोगी तुम मुझे? क्या चाहिए बोलो। तुम कुछ भी दे देना। नहीं, क्या चाहिए बोलो ना। तुम ही सोच के बताओ। तू है सनम प्यार ये न कभी होगा कम, तेरी इन बातों से होने लगा नशा, दिल जुड़ के कुछ बोले सुन ले वो साथिया। जहाँ जाऊँ तुझको देखूँ, जब सोचूँ तुझको सोचूँ, अब नाम तेरा ही आए जब भी लब मैं खोलूँ।
तुम हो सामने, बहके दिल मछली दिल आओ ना थामने। तू है सनम प्यारी ये न कभी होगा कम, तेरी बातों से होने लगा नशा, दिल जुड़ के कुछ बोले सुन ले वो साथिया। जहाँ जाऊँ तुझको देखूँ, जब सोचूँ तुझको सोचूँ, अब नाम तेरा ही आए जब भी लब मैं खोलूँ। गला दर्द छोड़ दिया रे। देखो हमारा सेंट्रल मिनिस्टर दीनदयाल के साथ लफड़ा हो गया है। हम जो बिजनेस करते हैं उसमें सेंट्रल मिनिस्टर मुसीबत पैदा कर रहा है। अब क्या करूं? मरा। वाह। उसको उड़ा दो, वो भी बस एक दिन में, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। मगर वो होगा कहाँ? चार रोज से वो शहर में ही है, सनसेट नाम के गेस्ट हाउस में। सुबह 6 बजे उठ के वो वॉक पर जाता है। वो 6 बजे वॉक के लिए जाएगा और 7 बजे की न्यूज में सो जाएगा। मतलब मुकुंद रावत के लिए कल काम होगा। गोला पैसा कितना चाहिए तुम्हें? पैसा नहीं चाहिए मुझे। ये क्या, तुमने उड़ाने का काम को सेवा बना लिया? नहीं, मिनिस्टर से वो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह चाहता है। तो बताओ तुमको क्या चाहिए? एक नौकरी चाहिए। क्या तू नौकरी करेगा? नौकरी मुझे नहीं, मेरी जान पहचान वाली लड़की को चाहिए। कैसी नौकरी? गवर्नमेंट जॉब? पुलिस की नौकरी। गुड शॉट। क्या बात है, चक्कू शुरी चलाने वाले को पुलिस की सिफारिश। शाबाश। अगर नौकरी दिलाओगे तो काम पूरा होगा। ठीक है, काम हो जाएगा। अरे सचिन आउट और कल मिनिस्टर आउट। कौन सा राउंड है? पांचवा। आप रोज दौड़ते हैं क्या? नहीं, काफी लोगों को रोज दौड़ाता हूँ। तो आप इतनी आहिस्ता दौड़ते हैं? हाँ। आप किसी काम से आए हैं शायद? आपकी नौकरी का मामला है। कब? कल। किससे मिलने जाना है हमें? कमिश्नर मुकुंद रावत। हाँ? से मुझे बहुत पसंद है वो आदमी। क्यों? मैंने सुना है गुंडे पशुपति को उन्होंने ही मारा है। ऐसी बात है? आपको नहीं पता, उनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। वो आपको जानते हैं क्या? बहुत दिनों से जानता हूँ उनको मैं। मुकुंद रावत सर मान गए तो मुझे नौकरी मिल जाएगी? कल मालूम होगा। कल टाइम पे आ जाएगा ना? ऐसे क्यों पूछिए भाई? नहीं, आजकल अलग रहता है, हाइट में जागरण करता है। जरूर आऊंगा। 5:30 बजे। अरे पहुंच जाऊंगा भाई। गौरी कॉफी। फोन नहीं उठा रहा है। हम्म।
छतरी को आने दो। अगर हमें हमेशा खुश रहना है तो अपने दिल को साफ रखना पड़ेगा। अबे तो आया क्यों नहीं? कम से कम फोन तो कर लेता। बहुत तेज सर में दर्द था इसलिए सो गया था। तू नहीं पहुंचा तो सोचा काम चौपट हो जाएगा, मगर सब ठीक हो गया एकदम प्लान के मुताबिक। क्यों गौरी, कहता सर में दर्द है, कुछ किया क्या? कॉफी नहीं रहने दो। मैं जाकर कमिश्नर मुकुंद रावत से मिलकर नलिना के काम की बात करके आता हूँ। हाँ। मेरे भाई को संभालो, सरदर्द अच्छा नहीं। राज्य की कानून व्यवस्था का जायजा लेने आए सेंट्रल मिनिस्टर दीनदयाल की खौफनाक हत्या की गई। इसमें राज्य के नामी गुंडों का हाथ है ऐसा पुलिस का मानना है। ये कैसा अन्याय है खूनी का डाला? टीम राजधानी पहुँच चुकी है, एक दो दिन में तहकीकात शुरू करेंगे। आज पैसों में इतनी ताकत आ गई है कि खून पे खून होते जा रहे हैं। देखिए, मैंने पैसा लेने से मना किया था ना, आपने मुझे काम सौंपा, मैंने काम पूरा किया। अब मैंने जो बोला था उस लड़की को काम दिलवाइए। हाँ भाई, हो जाएगा, कोई एक लड़की को पुलिस में नौकरी देनी है ना? कोई एक लड़की नहीं सर, मेरी जान पहचान की लड़की। ठीक है ठीक है, तुम एक काम करो, उसे कल शाम को अपने साथ ले आना। कहाँ, ऑफिस में? नहीं नहीं, हमारे गेस्ट हाउस में ले आना उसे। मुकुंद जी से मिलने जा रहे हैं तो बड़ा टेंशन महसूस हो रहा है। नौकरी मिल जाएगी ना? जरूर मिलेगी, मेरी बात वो कभी नहीं डालते। आप कैसे इतने बड़े ऑफिसर को जानते हैं? मैंने बचपन में उनके घर पे काम किया था। वही तो, आपने एक पुलिस ऑफिसर के घर में परवरिश पाई है इसलिए आप इतने अच्छे इंसान हैं। अरे हंसते क्यों हैं? अजी, आप में यही तो खासियत है, झट से पकड़ लेती है किसी बात को। आइए आइए। इसी लड़की के लिए नौकरी मांग रहे थे ना तुम? अरे इस लड़की को तो मैं पहले से ही जानता हूँ। तुम थोड़ा बाहर वेट करो। सर जी, तुम जरा बाहर जाओ। इस लड़की को नौकरी ना बिल्कुल देंगे। मिनिस्टर को मारने के बाद आपने नौकरी दिलाने का वादा किया। सब मुझे याद है, पहले तुम बाहर जाओ। अच्छा मैं बाहर ठहरता हूँ। अगर तुम्हें मैं नौकरी दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगी? ठीक है, मुझे क्या चाहिए मैं ही बताता हूं। पुलिस की नौकरी आसान काम नहीं है, बहुत से लोफर मिलेंगे, बहुत से गुंडों से सामना होगा, उन लोगों से लड़कर तुम्हें जीतना होगा, इसलिए पहले तुम मुझसे लड़कर जीत जाओ। यही है तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट। कैसा टेस्ट सर? मेरे बेड पे मेरे साथ। अगर मर्द हो तो पैसा लेके नौकरी दे सकते हैं, औरत होने पर बदन देख के नौकरी दे सकते हैं। सिंसियर ऑफिसर हूं, यही सोचा ना? मौके का फायदा उठाने वाला एक ऑफिसर हूं मैं, ये समझ लो। आज या फिर कल, कभी भी रख लेंगे हम। दिन तुम बताओ, नौकरी हम देंगे। नलिना को घर पर छोड़ दे। क्या हुआ, रोते हुए जा रही है ना? तुरंत मान जाऊंगा तो मुझे मजा कैसे आएगा? अब मुझे लगता है कि वो बिल्कुल नई नवेली है। जैसा आप समझ रहे हैं वैसी लड़की नहीं है वो। बात नहीं मानेगी
तो नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी तो चाहिए सर। भैंस को घास डालने पर ही वो पूरी तरह दूध देगी। फिर भैंस ही जब इतना कुछ चाहती है तो मैं तो इंसान हूँ। मंत्री को मारने पर नौकरी देने की शर्त थी, मगर आप तो कुछ और ही मांग रहे हैं। अरे वो मंत्री ने बोला था, मैंने नहीं। और फिर एक दिन की तो बात है। ये नामुमकिन, नौकरी का इंतजाम करो। अरे नहीं होगा, बोला ना। क्यों भाई, तूने अपना काम निकाल गली के कुत्ते, मुझ पर याद उठाया? अरे मैंने तुझे गुंडा बनाया, मैंने, और आज मुझसे ही गुंडागिरी। यही तो गली का कुत्ता काटता भी है। जब तुम मुझसे टकरा ही गया है तो सुन, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा। सुनकर बड़ी खुशी हुई। जब मैं गुंडा पैदा कर सकता हूँ तो उसे खत्म भी कर सकता हूँ। मैं गुंडा ही सही, लेकिन तुझे सच्चा पुलिस वाला पैदा करके दिखाऊंगा। मैं जब तक यहाँ हूँ वो नामुमकिन होगा। मैं देख लूंगा। अब जब तूने मुझसे दुश्मनी मोल ले ली तो समझ ले कि सड़क के बीच तेरी लाश मिलेगी, वो भी मैं देख लूंगा। दिनों सेंट्रल मिनिस्टर की हत्या के मामले की तहकीकात करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल पुलिस टीम को भेजने का फैसला किया है। इस टीम का चीफ कौन होगा इसका फैसला आज शाम तक हो जाएगा, ऐसा सूत्रों से पता चला है। सन टीवी से आपका रवि। All the best, Mr. Kennedy. Thank you, sir. Take care. I do my best. Get all the details on my table. Okay, sir. Sir, he is Kennedy. Deen Dayal case के मामले में तहकीकात करने आया special officer है। ये यहीं से तो central में गया है। Hello, sir. Hi. I am Mukund Rawat. I am Kennedy. जानता हूँ सर, अभी आपके बारे में बात कर रहा था कि ये नए नहीं पुराने हैं हमारे पास पे। वैसे भी मुझे इस केस को छोड़ के सब कुछ पुराना लगता है। Of course, आपकी मदद के बिना मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। अरे बिल्कुल सर, एक्यूज को पकड़ लेंगे हम। एक्यूज को पकड़ लेंगे ना, केस को खत्म करेंगे। जो किया। ओके बाय। मेरे को सच बताना होगा। क्या है रे? मुझे गुंडा बनना है। अरे क्यों सब लोग इस तरह पागलों की तरह हंसते हो, घूर क्यों रहे हो? मैं गुंडा नहीं बन सकता, मैं उस लायक नहीं हूँ क्या? ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट। हाँ। ए, वो चाकू दे दे। इसे ले जाकर उधर काउंटर में जो है वो आदमी उसे धमकी देकर पैसे वसूल। हाँ। ए, गले में जितना पैसा है निकाल, देखो कैसे निकाल के दे रहा है। हाँ? ये ले। गले में पैसे की जगह मिर्ची रखता है। मुकुंद मुझसे इस तरह की बात करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था नलिना। गुस्सा तो इतना आया कि उसे वहीं खत्म कर देता, मगर आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? आप क्या गुंडे हैं? अच्छा ही हुआ जो हमने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरों को मारने वाले हम कौन होते हैं? उस गुंडे से मुझे नफरत है। गुंडे मवालियों से कितने मासूम लोग परेशान होते हैं, मेरे पिता की तरह। छे। गुंडे भी तो आखिर इंसान होते हैं ना? नहीं रामकुमार, पैदा होते समय वो इंसान होते हैं, गुंडा बनने के बाद हैवान। कैसे वो बाप पुण्य सोचे बगैर दिन दहाड़े बीच सड़क पर किसी का खून कर देते हैं? एक कुत्ता भी पागल होकर यही करता है, लेकिन ये गुंडे लोग सुबह उठकर खाना खाके नहाके कपड़े बदलकर ऑफिस जाने जैसा नाटक करते हैं, फिर बाहर जाकर पूछते हैं खून करने के कितने पैसे दोगे, ये कोई नौकरी है क्या? जितने भी गुंडे ऐसा काम करते हैं ना, पहले उन सबको उड़ा देना चाहिए। चाय ठंडी हो रही है। सॉरी, गुंडों के बारे में बातें करते ही मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। अब किस काम के लिए बुलाया था आपने? तुम्हें मुकुंद के पास ले जाने के लिए माफी चाहता हूँ। ये कहने के लिए बुलाया था? नलिना, पुलिस की नौकरी करने की बड़ी इच्छा थी आपकी, मैं जानता हूँ। अभी वही इच्छा मौजूद है मुझ में। मुझे जरूर पुलिस की नौकरी मिलेगी, ये कैसे बोल सकती हूँ यही सोच रहे हैं ना? आप पर भरोसा है, किसी भी तरह उस डिपार्टमेंट में मुझे नौकरी दिलवाएंगे ये भरोसा है। जरूर ये मेरी इच्छा पूरी होगी।
क्यों, सही कहा ना? आओ चले। दीदी फूल लो ना। नहीं बहन, मुझे नहीं चाहिए। ले लो ना फूल, बहुत ताजे हैं। मेरा परिवार खाना खा लेगा, ले लो ना फूल। सुनो क्या कहें
कत्ल हुए सेंट्रल मिनिस्टर दीनदयाल और आपके बीच कितनी पुरानी दोस्ती है? कोई 15 सालों की दोस्ती है जी। आपके तो दोस्त थे वो, दुश्मन कौन हो सकता है, कुछ पता है? नहीं जानता जी, उनके सेंट्रल मिनिस्टर बनने के बाद यहाँ आना जाना कम हो गया था, और जब भी यहाँ आते थे तो ज्यादा रुकते नहीं थे। हमेशा उनसे मिलते थे ना आप? टाइम मिलने पर। उनको या आपको? दोनों को जी। इस बार मिले थे आप? हाँ, फोन पर बात हुई थी। क्या बात की थी? पूछ रहे थे कि पेट्रोल का दाम इतना काहे बढ़ गया, हम बोले कि पूरी दुनिया का ही हाल है। उल्टी सीधी बेकार की बातें मत कीजिए मेरे साथ, ऐसी बातें सुनने मैं नहीं आया यहाँ पर। पुलिस वाले इसका मतलब कुछ भी बोलेंगे क्या सर? पत्थर से धागा बनाने वाला ही मंत्री बन सकता है, ये शायद नहीं जानते गणेश। चमड़ी छीलते भी पुलिस वाले हैं तो कांधा भी वही पुलिस वाले देते हैं। मालूम है मुझे, वही पार्टी के हिसाब से कांधा सबको देंगे। कितने सालों से आप सर जी के साथ हैं? यही कोई 10 सालों से। लेकिन सेंट्रल मिनिस्टर तो सर को 15 सालों से जानते हैं, ये आपको कैसे मालूम? वो सर जी ने बताया था ना आपको। बड़ी चतुराई से जवाब दे रहे हैं आप, इस खेल में मत पड़िए सर। वैसे आपसे मिलकर मुझे खुशी मिली, दोबारा आपसे मिलना ना पड़े, भगवान से प्रार्थना। खुश रहो। नमस्कार। नमस्ते। बोला रहा है। यहाँ कहाँ आए हो? कुछ पूछने आया हूँ। क्या पूछना चाहते हो? पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ गया ये पूछने आया हूँ। तुमने जो काम बताया था मैंने पूरा किया, अब तुम मेरा काम कर दो। अरे जब बोल दिया है कर देंगे तो कर देंगे। लेकिन कब? मुकुंद, देखो मुकुंद की बात छोड़ो, डील हम दोनों के बीच हुई थी, पुलिस की नौकरी देने की बात की तो लड़की से कॉम्प्रोमाइज करने को कह रहा था वो मुकुंद रावत। हेलो, देखो मुकुंद। क्या हासिल कर पाया कुछ? देख मैं तेरी तरह कमीना नहीं हूँ, जो सोचता हूँ छीन के ले लेता हूँ। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो गोला। बोलना ही नहीं, मैं करना भी जानता हूँ और बच निकलना भी। मैं पुलिस वाला हूँ, मेरे पास पावर है, गोली उड़ा दूंगा। देख मुझे मारने के लिए डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर मेरा दिल किया तो तुझे कभी भी ठोक के मैं निकल जाऊंगा। गोली हो तो बंदूक की मर्यादा है, लेकिन गोला फटा तो सब खलास। मिनिस्टर से मैंने बात कर ली, अगली 5 तारीख को पुलिस इलेक्शन में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। किसी भी तरह नौकरी दिलाएंगे आप, ये मालूम था मुझे, कहा था ना मैंने उस दिन, आप पर मुझे भरोसा है। चलता हूँ। सुनिए, खाना तो खाकर जाइए। जब तुम्हें नौकरी मिलेगी तब खाऊंगा। हेलो, मैं शर्मा बोल रहा हूँ। हेलो, अरे मैं शर्मा बोल रहा हूँ, बोला है क्या? वो एक मीटिंग में है, उसे कहना तुरंत मुझसे मिले। ठीक है, कह दूंगा। नमस्ते सर। हाँ आओ गोला, बैठो। क्या बात है सर? एक अर्जुन काम आया है, यहाँ नहीं गोवा में। कल तो नामुमकिन होगा। क्या नामुमकिन बोलता है, आदमी पैसा ना देकर परेशान कर रहा, और तू? कल मुझे एक जरूरी काम है, मेरी जान पहचान की लड़की का इंटरव्यू है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे मंत्री ने बोल दिया ना भाई, सब ठीक हो जाएगा, पहले मेरा काम तो कर। नहीं होगा। हे, बहुत ज्यादा पैसा दूंगा? नहीं चाहिए। देख गोला, बहुत जरूरी काम है, तुम जितना भी चाहोगे मैं दूंगा। हमेशा पैसों की धौस क्यों देते रहते हो? थाली में पैसा डाल के उसे सब्जी की तरह खा सकते हो? ये क्या बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो काम करोगे या नहीं? नहीं बोल दिया ना। जो पोस्टर में दिखाते हैं अंदर नहीं दिखाते हैं। हाँ अरे मुकुंद, उसने मना कर दिया, उस लड़की का इंटरव्यू ही जरूरी काम है क्या? अरे तूने उसे पाला पोसे बोलता था, वो इतना घमंडी होकर बात कर रहा है। मुझे शक हो रहा है उस मुकुंद के बच्चे पर, वो कल होने वाले सिलेक्शन में नलिना को किसी तरह पास नहीं होने देगा। क्यों? वो कुत्ता है ही वैसा, वो शर्मा ने मुकुंद के सामने सब कुछ बक दिया होगा। कल के सिलेक्शन में मुकुंद नलिना को सिलेक्ट होने में परेशानी पैदा करेगा, कल वो ग्राउंड तक नहीं पहुंचना चाहिए। तुम सुबह उसके घर पर जाओ और उस कुत्ते से तुम बोल देना ग्राउंड पर आने की जरूरत की तो तुम अप्रूवर बन जाओगे, ऐसी धमकी दे के आ जाओ। एक बात मेरी और सुन, इस बार सरदर्द का बहाना नहीं। मैं जाऊंगा भाई, जरूर जाऊंगा। ए, गोरी! ए, क्या हुआ तुझे? पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
संभल के, संभल के, संभल के, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत देर से पेट में। डॉक्टर के पास चलते हैं। गिरीश, हाँ? इस वक्त मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, यहाँ मेरे साथ रहो। डोंट वरी, कहीं नहीं जाऊंगा। गिरीश अब तक चला गया। गोपाल गया पता करने। ये क्या मुकुंद आ रहा है? भाई गिरीश कोर्ट नहीं पहुंचा, उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं। ऐसा बोलने को कहा? चुप, मैंने खुद देखा है। यहाँ नलिना नाम की एक लड़की सिलेक्शन के लिए आई है, वो सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। ओके सर। नमस्ते मुकुंद, अभी उस ऑफिसर के कान में जो फूंका वो मैं समझ गया हूँ। यहाँ होने वाले टेस्ट में अगर नलिना पास नहीं हुई तो ठीक 12 बजे गिरीश को फोन कर दूंगा। ए, गिरीश क्या कोई सीएम है या पीएम है? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं कुछ नहीं करूंगा। अंधेरी के कोर्ट के सामने खड़ा गिरीश उस कोर्ट के अंदर जाके सरेंडर होके अप्रूवर बन जाएगा। धमकी दे रहा हूं तुम मुझे? क्या बड़ी तोप है तू? जल्दी बोल, फोन करूं मैं या नहीं? गिरीश अप्रूवर में बदल गया तो सब कुछ खलास। करना, उस लड़की को सेलेक्ट करने को बोलो। यस सर। गोला हूं मैं। आज सेलेक्ट हो जाऊंगी मैं लगता है। तुम पहले हाथ दो मुझे। ये क्या था? चाइनीज पद्धति में थैंक यू बोला। दंदे भाई, क्या हो रहा है यहां? अरे तुझसे पूछ रहा हूं, क्या हो रहा है यहां पर? गौरी, हम दोनों को अलग करने का प्लान बनाया क्या? पिछली बार तो सिर दर्द का बहाना बनाया और इस बार तू कुछ कर रही है इसके साथ? तेरे आने के बाद ही सब कुछ हो रहा है। गिरीश मेरे बचपन का दोस्त है, उसके बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं। आज तक कोई बात नहीं टाली उसने मेरी, लेकिन अब तूने इसे पूरी तरह बदल डाला है। ए गिरीश, मैं कब से चिल्लाया जा रहा हूं, ये खामोश है। कुछ बोला इसने? अरे मुंह खोलना। गिरीश तेरी खामोशी हम दोनों की दोस्ती में दरार डालेगी, जो भी है तो साफ साफ बोल डाल। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ ले गिरीश? और तू भी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, जानती हो कौन है? मेरे माँ बाप सब कुछ वही है। मेरी वीकनेस का इस्तेमाल करके मुझे तुमने शर्मिंदा किया है। बोल, मेरे और गोला के बीच में क्यों आना चाहती है तू? हमारी दोस्ती को दुश्मन बनाना चाहती है तू? तू चाहती क्या है? मेरी बात का जवाब दे, चल। अब तुम गोला के साथ नहीं रहोगे, तुम दोनों को अलग होना है, इसीलिए मैंने ये सब किया। क्या है गोला? तुम्ही ने गौरी से प्यार करने को कहा, तुम्ही ने शादी भी करवाई। शादी के बाद जिंदगी समझ में आने लगी है गौरी के साथ। चाकू छुरियां खून खराबा मैंने बहुत देख लिया है। अब प्यार ममता जब मिलने लगी है तो जीवन से लगाव होने लगा है। गौरी से बढ़कर तुम ही हो मेरे वास्ते, लेकिन
आज मुझे गौरी भी पसंद आने लगी। अगर मुझे तुम्हारा साथ रहना होगा तो गौरी से मुझे हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा। अगर यूं ही उसे छोड़कर आया तो वो जिंदा नहीं बचेगी। मुझे तुम्हें छोड़कर जाने का मन भी नहीं करता है और गौरी का साथ मुझे पसंद है। क्या फैसला करूं समझ में नहीं आ रहा है। चंडी बिजू क्या हो रही है सब? सब कुछ बांधो। गुलाब तू फैसला नहीं कर पा रहा था ना, इसलिए मैंने ही कर दिया। क्या? हम दोनों एक थे अब तक। लेकिन अब तुझे और गौरी को एक होना है, इसलिए हमें तो अलग होना ही पड़ेगा। हम दोनों जब मिले थे वो दिन याद है मुझे, लेकिन ये दिन मैं याद नहीं रखना चाहता। तू भी भूल जा। जैसे तुम चाहती थी वैसे तुम्हारे गिरीश को तुम्हें सौंप रहा हूं। आज से अब सब कुछ तुम ही हो उसके लिए। सुनो, अभी शहर में मत रहना, कहीं और जाके बस जाओ। इसमें बहुत पैसा है, रख ले। अब रो मत, रो मत यार। गिरीश, क्या भाई? अगर मेरी याद आए तो भी वापस मत आना, लेकिन याद करना। क्या बोलूं समझ में नहीं आता, लेकिन तुम्हें कभी भुला नहीं सकूंगी। मिस्टर करना सर, इनकी बातों से मुझे एक बात का तो पता चलता है सर, ये लोग किसी एक ग्रुप से भयभीत हैं। कहीं उसी ग्रुप से तो आप किसी को नहीं ले आए? सर, शहर में गुंडागर्दी इन्हीं लोगों ने फैलाई है सर। नहीं करना, और एक ग्रुप भी है, उसका एक लीडर भी है, उसका नाम बॉस ऑन मोटा, वही कुछ अलग सा सुना है। कुमार तुम्हें मालूम है? नहीं जानता सर। कुछ अजीब सा गो गो गोला। यस गोला। ये कैसा नाम है उसका? उसके माँ बाप ने ऐसा नाम रखा या उसने खुद रख लिया ऐसा नाम? तुम उसे जानते हो भाई? नहीं, गोला नाम के किसी गुंडे को मैं नहीं जानता सर। मगर हम जान लेंगे करना। अरे भैया, जब वो अप्रूवर में बदल जाऊंगा बोल रहा था उसी वक्त खत्म कर देते उसे। इन्होंने उसे पाला पोसा है ना, वही सोच रहे होंगे। अरे क्या, आप भी एसी जरूर बलि देंगे उसकी, क्यों देनी ही पड़ेगी ना। मुकुंद, उसने हमको धमकी देना भी शुरू कर दिया है। तुम कहा करोगे कैसे करोगे हमको नहीं मालूम, लेकिन उसकी जवान हमेशा के लिए बंद कर दो भाई। गिरीश नहीं है? अरे वो अब कहां से आएगा? ऐसा बोल रहा हूँ बुरा मत मानना भाई, आपने थोड़ी जल्दी मचाई। वो कहते हैं ना, घर के आंगन के पेड़ को काटो तो पूरा आंगन खाली हो जाता है। गिरीश भी पेड़ की माफिक था तुम्हारे साथ, यही है ना आपकी फीलिंग? सॉरी, मेरी फीलिंग। हेलो, मैं नलीना बोल रही हूँ। हाँ बोलो। आपसे थोड़ा मिलना था मुझे। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वैसे मिलने पर बताऊंगी। कहाँ पर आना है? हाँ रुक जाओ, भैया जरा वहां पे वेट करो, मैं आता हूँ। ठीक है साहब, आ जाओ। क्या बात है? मुझे ऑर्डर्स मिल गए हैं। बड़ी खुशी की बात है। ये क्या है? तुम्हारा तोहफा। मुझे क्यों तोहफा? क्या है, मुझे अपनी नौकरी दिलवाई है तो छोटा सा गिफ्ट देना है, प्लीज इसे पहन लीजिए ना।
इसे भी चाइनीज थैंक्स कहते हैं क्या? बताओ कहाँ छोड़ो? हम लोग बालाजी तिरुपति जा रहे हैं, स्टेशन छोड़ देंगे? ओके। मत आना, पुलिस चारों तरफ है, तुम्हें मार डालेंगे। आपने जैसे गोली मारी, क्या वो गिरीश बहुत बड़ा गुंडा था? ऐसे क्यों पूछ रहे आप सर? वो एक खतरनाक गुंडा था। ये बात है तो उसके बारे में डिपार्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। हमें अभी पता चला सर। कितने महीने हुए? कोई 2 महीने हुए हैं सर। इस ग्रुप का एक सरदार भी है, उसका नाम गोला है। करेक्ट करेक्ट सर, वही हमारा दूसरा टारगेट है। उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? मुझे पता नहीं वो दिखता कैसा है सर। तब आप उस पर गोली कैसे चलाएंगे? सरदार को पकड़े बिना उसके आदमी को मार दिया, बहुत टॉर्चरिंग। पहले गोला को पकड़ना है मुझे, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिले तो पहले मेरे टेबल पे होनी चाहिए। ओके ओके। कैनेडी को हम पर शक होने लगा है शायद। समझ में नहीं आता क्या होगा। तो तुम कहे परेशान हो? क्या अभी गोला को कैनेडी पकड़ लेगा तो हम सबका पर्दाफाश हो जाएगा। कैनेडी गोला का एनकाउंटर बिल्कुल नहीं करने देगा। कैनेडी से तुम बहुत डरते हो क्या? क्या यार मुकंद, सेंटीमेंट है क्या? अपनी बंदूक की गोली पर भरोसा रखो, गोला बारूद कुछ नहीं करेगा। अरे कोई ऐसा वैसा सेंटीमेंट नहीं, बकरी की बलि तुम चढ़ाओ या मैं, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही कहा। कब और कैसे? उसके वास्ते दूसरा रास्ता होगा। जा, कैसी हो तुम? जिसके पति को बुरी तरह मार डाला आपने, उसके बाद पूछते हो कैसी हो तुम? ए, बेकार की बातों को छोड़ दो, तुम्हारे अच्छे दिन वापिस आ गए। गोला की कहानी तुम्हें खत्म करनी है। पर उससे आपको क्या लाभ होगा? उसमें तुम्हारा क्या लाभ है वो तुम वो देखो। गोला को खत्म करने के बाद तुम्हारी दादागिरी शुरू हो जाएगी। पुलिस वालों की तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, वो सब मैं संभाल लूंगा। मनोजा तुम्हें 48 घंटों का समय देता हूँ, उसको उड़ा दो तुम। काम पूरा होते ही पैसे तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। ये
बोला पशुपति के लोग मुझे और गोपाल को पकड़ कर ले आए हैं। ए, क्या बोल रहा तू? ए, फोन उन्हें दे, हमें छोड़ देंगे। लो भाभी। ए गोला, तुम्हें एक घंटे के अंदर ही यहाँ पहुँचना होगा, वरना तुम्हारा दूसरा दोस्त भी खत्म हो जाएगा। मेरे आदमियों को कुछ हुआ तो देख लेना। अरे तू आ जा। ए, गोला के पास क्या काम करते हो? काटता हूँ, टुकड़े टुकड़े करता हूँ, फिर बाद में तलता भी हूँ। खाना बनाने वाले हो? तुमने तो मेरे काम की पोल खोल के रख दी। तेरी दीदी, गोला कमोड में आ गया। इतनी हिम्मत है तुम में कि जान की परवाह किए बगैर आ गए? मरने को तैयार हो? यहाँ कौन मरने जा रहा है ये तो वक्त ही बताएगा। चल बुला, जैसे मर्जी बुला ले, चल। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। क्या बात है, इसको अपने अड्डे पर लेके आ गए हो क्या? इसे मेरे पास रहने दो, मैं देख लूंगा इसे। देख मेरे चेहरे को, देख तेरे कारण ऐसा है। तुझे मारकर ही मुझे तसल्ली मिलेगी। ऐसे क्या घूरता है, समझा नहीं? सुपारी दी है मुझे 48 घंटों में तुझे मारने की उस मुकुंद रावत ने। जब मेरे पति से उसे परेशानी थी तो तुम्हें इस्तेमाल करके मेरे पति को मरवाया, और जब तुम उसके लिए मुसीबत बन गए हो तो मुझको उसने तुझे मारने की सुपारी दी है। हम जैसे लोग आपस में लड़के एक दूसरे का खात्मा करते हैं, आज ये ऐसी बातें क्यों कर रही है? तो ये सोच रहा होगा है ना? क्या है, कुछ दिनों से मैं साइलेंट हो गई हूँ, उसका कारण है मेरी बेटी। उसने कहा सब कुछ छोड़ दो वरना जान दे दूंगी। मुझे धमकी दी तो उसी दिन मैंने सब छोड़ दिया। तुझे पुलिस वालों ने खत्म करने का फैसला किया है ऐसा सुना है। तुमको यहाँ बुलवाने के वास्ते ही तेरे आदमियों को यहाँ उठवाया है मैंने। अगर मुझ पर भरोसा है तो यहीं रुको। क्या बोलते हो? भूख लगी है। तेरा नाम क्या है? ज्योति। हेलो। क्यों वनोजा, तूने गोला से बात की या नहीं? बात की मैंने, उसने कहा आऊंगा मगर नहीं आया। इसका मतलब छोड़ दोगे उसे? मेरे आदमी गए हैं उसे उठाने के लिए, बस आते ही होंगे। क्या करोगी तुम मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ गोला की मौत देखना चाहता हूँ। अरे तुम ही नहीं, मैं भी उस गोला की मौत देखना चाहती हूँ। मार दो उसे। लीजिए चाय। पढ़ती हो क्या? डिग्री कंप्लीट की है मैंने। आगे पढ़ने का मन नहीं किया? पूरे 3 साल पढ़ने में बहुत कष्ट उठाए हैं। क्यों? गुंडे की बेटी हूँ, दादागिरी, घर वालों का पेशा। मुझसे सभी लोग डरते थे, मुझसे बात तक कोई नहीं करता था। खुल के बात करने के लिए मेरे फ्रेंड्स तक नहीं आते। पढ़ाई में इतनी मुसीबत हुई है तो शादी करने में कितनी मुसीबत आएगी। तुम्हारी तरह ही मेरे पिता भी किसी के द्वारा गुंडे मवाली बने, उनकी बेटी होने का मुझे क्या कष्ट उठाना पड़ा, सोच के रोना आता है। तुम जानते हो मेरे पिता की मौत पर दुखी कौन हुआ था? मेरे सगे संबंधी, मगर पूरा शहर खुशी में झूमा था। यही एक गुंडे की मौत का असर। तुम भी गुंडागर्दी करते हो क्या? तुम चैन की नींद सो पाते हो क्या? सचमुच खुश हो तुम? मुझे पता है तुम खुश बिल्कुल नहीं। एक लड़की को फूल खरीद कर देते मैंने तुम्हें देखा था, क्या वो आपकी लवर है? लवर ही होगी, क्यों? कभी भाई किसी बहन को फूल खरीद कर थोड़ी देता है। उसका नाम क्या है? नलीना। तुम्हारे बारे में उसे सब मालूम है? उसके जानने से पहले ही तुम खुद उसे सब कुछ बता दो। ये सब कुछ छोड़कर उससे शादी करके खुश रहो। Thank you.
हेलो, मैं चिंपू बोल रहा हूँ, आपको कौन चाहिए जी? नलीना। नलीना क्या? वेट जी, नलीना तुम्हारा फोन है, मैं यहाँ रुकूं या जाऊं? दया करके आप जाइए। हाँ जाता हूँ जी। हेलो, मैं राम कुमार बोल रहा हूँ। तुमको ही फोन करने वाली थी, अभी अभी तिरुपति से लौटे हैं हम। नलीना मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ अपने बारे में। बोलिए ना। फोन पर नहीं, तुमसे मिलकर। कहाँ मिलना है ये बोलिए। मैं ही तुम्हारे घर आ जाता हूँ। Stop it. मुझे बताओ गोला कहाँ छुपा है? तुमको उठाकर अगर आईजी कहाँ छुपा है पूछने पर बताओगे? तुम सरकारी पुलिस हो तो? हम गोला के पुलिस हैं। तुमने सच नहीं बोला तो उम्र भर जेल में सड़ जाओगे। अप्रूवर हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। तू पुलिस वाला मेरी रिश्वत दे रहे हो क्या? सर हमारी जिंदगी गोला की बदौलत है, उसी को वापस सौंपेंगे। सर मीडिया वाले आ गए हैं। रिपोर्टर्स को यहाँ किसने बुलाया? मैंने। गोला के लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ा, हमें न्यूज मिली। गोला के बारे में कुछ बताया उन्होंने? सच्चाई कबूल कर ली उन्होंने। सेंट्रल मिनिस्टर का खून गोला ने किया? यस, गोला ही उन कातिलों का सरदार है, वो मान गए हैं। सेंट्रल मिनिस्टर का खून भी गोला ने ही किया है, ऐसा बयान देने के लिए तैयार है वो लोग। आपका अगला कदम क्या होगा सर? करना फोटो। यही है गोला, फोटो सबको दिखाओ। क्या सर अपसेट हो गए आप? गोला के आदमियों ने कुछ भी नहीं बताया क्या? कैसे बताएंगे उन सबको, तुम अच्छी तरह जानते हो क्या? हेलो, अभी बोलता हूँ, गोला को जिंदा पकड़ूंगा मैं, उसके लिए मदद करने का शुक्रिया। गोला के आदमियों को पकड़कर अंदर क्यों किया? ताकि आप अगला स्टेप क्या लेंगे मुझे मालूम हो सके। कल सुबह गोला का फोटो पेपर में छपेगा, जो गोला अपनी हिफाजत करेगा। माँ मैं स्कूल जा रही हूँ। माँ, माँ आज मैं खाना बनाऊंगी। क्यों? राम कुमार हमारे घर आ रहे हैं, ये बात है। पता कर लिया है। इसका नाम है गोला, इसका धंधा ही गुंडागर्दी है ऐसा पता चला है। सेंट्रल मिनिस्टर का खून भी इसी गोला नाम के गुंडे ने किया। वैसे इसका असली नाम है राम कुमार, इसे पुलिस ने नजर आते ही शूट करने का ऑर्डर पास किया है। पुलिस ने नजर आते ही शूट करने का ऑर्डर पास किया है। घर के बाहर ये कैसी भीड़ है? चलो चलो, जाओ जाओ, चलो बहन जाओ, जाओ जाओ, चलो जाओ। गोला नाम के गुंडे के साथ तुम्हारे परिवार का कुछ संबंध है, इसलिए हमें पूछताछ करनी है। चलो पुलिस स्टेशन चलो। गोला, नलीना और उसके परिवार के लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। चलो उठो। Hey, चलो उठो। गोला को जानती हो या नहीं? उसे तो आप भी जानते हैं ना। hey, मुझे जवाब देती है तू? जवाब देती है? बड़ी जबान चलने लगी है तेरी। हाँ। चल चुपचाप बैठ जाओ, बैठ जाओ। मुझसे जबान लगाती है,
जो पूछू उसी का जवाब दोगी तुम, समझी? बहुत जबान चलती है तुम्हारी, बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम। बैठो बैठो, कहां ना बैठो। मैं जो पूछू सिर्फ उसी का जवाब दोगी तो नहीं मारूंगा। उस गुंडे मवाली गोला को तुम कितने दिनों से जानती हो, बोलो बोलो। तुम्हारा उसके साथ बहुत दिनों से संबंध है ना, तुम गोला से पैसे भी लेती थी, उसी से तुम सबका परिवार खुशी खुशी चलता था। ये सब सच है ना? अब ऐसी बातें मत कीजिए। तो फिर बताओ कैसे तुमने, बताओ। पति के मरने के बाद तीनों बेटियों को ऐशो आराम से पाला पोसा। मैंने घरों में काम करके पाला है। समझे करना। समझ गया। करके जो मुंह में आए मत बोलते जाए। मैं क्या बोलूं? घरों में काम करके परिवार चलाने वालों को हम नहीं जानते क्या? मनपसंद फिल्में देखना, कलर टीवी, पार्टी स्पीकर वगैरह और फोन भी, ये सब कहां से आया तुम्हारे पास? ए, ये सब काफी नहीं, ऊपर से पुलिस ट्रेनिंग भी चाहिए। कानून का सहारा लेकर तुमने घर में ही धंधा करने का प्लान बनाया? देखो मान जाओ, गोला से तुम्हारा कनेक्शन है, बिल्कुल है, है तुम्हारा है, है कनेक्शन है। समझे नहीं है। गोला के साथ तुम घूमती भी थी, गोला के साथ तुम सोई भी थी। बोलो, मुंह खोलो, जवाब दो। है तुम्हारा गोला के साथ रिश्ता है, कबूल करो। अरे चल जवान खुल। गोला को सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरी बेटियां नहीं जानती। उसे सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरी बेटियां नहीं जानती। So, गोला का इस परिवार से संबंध है, ये तो प्रूव हो गया। करना सर, इसको उठा के अंदर डाल दो। नहीं मां, नहीं मां। अरे ये गोला की प्रेमिका है, इसलिए पुलिस ट्रेनिंग के सिलेक्शन से इसको कैंसिल कर दो। कैंसिल। मीडिया वालों से भी यही सच्चाई बयान करोगे तुम, और अगर इससे ज्यादा बोली ना तो तुम्हारी मां जेल में एकदम तोड़ देगी। कहां चल दिए बेटे? मैं नलिना से मिलने जा रहा हूं। अगर तुम बाहर जाओगे तो वो तुम्हें मार डालेंगे। मुझे हर हाल में नलिना से मिलना है। अरे भाई कैसे जाओगे? आपके गोला के साथ क्या संबंध है? हमने सुना है कि आपके साथ नाजायज संबंध है, क्या ये बात बताइए? गोला से आप पहली बार कहां मिली थी? हाँ, अंडरग्राउंड हुए गोला को। क्या आप उसके साथ उसके काम में साथ देती हैं? पुलिस ने आपको टॉर्चर किया, क्या जवाब दीजिए? बता दूं। मीडिया वालों से भी यही सच्चाई बयान करोगे तुम, और अगर इससे ज्यादा बोली ना तो तुम्हारी मां जेल में दम तोड़ देगी। कृपा करके आप लोग यहां से चले जाइए प्लीज। रुको रुको रुको, लाइसेंस दिखाओ। जी चलो चलो, साहब को दिखाओ जाके। तुम इसे चेक करो, मैं दूसरी गाड़ी देखता हूँ। चलो चलो। मैं जाकर आती हूँ। सब ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। चलो इंसान नहीं हो। ऐसे घिनौने सवालों का जवाब मैं बिल्कुल नहीं दे सकती आपको। दया करके यहाँ से चले जाइए। सॉरी मैडम, प्रेस वाले सब चले गए। आई एम मोहन सुंदर, हाई कोर्ट एडवोकेट। किसने भेजा है आपको? नलिना, क्यों आए हो यहाँ? मैं जिंदा हूँ या मर गई ये देखने? तुम्हारी वजह से हमने बहुत मुसीबतें झेली हैं। एक माँ के सामने बेटियों की बेइज्जती हुई, बेटियों के सामने माँ से गंदे घिनौने सवाल पूछे गए। अब मेरी माँ कहाँ है तुम्हें मालूम है? जेल में। हमारी हालत भी देखो,
कौन है इन सब का जिम्मेदार? तुम मेरे पिताजी का नाम का सहारा लेकर हमारा सुख चैन बर्बाद कर दिया। एक गुंडे की वजह से मेरे पिताजी की मौत हुई, अब तुम्हारी वजह से मेरे परिवार की मान मर्यादा गई। तुम्हें गुंडा बताया क्यों नहीं मुझे? एक गुंडे को जाने बगैर मेरे दोस्ती की मैं धोखा खा गई ना। कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की थी। पहले बताते तो, इससे पहले तुम कलेक्टर या ऑफिसर थे, तब भी तो गुंडे ही थे ना तुम। जिंदगी में मेरा सपना पुलिस में भर्ती होने का था, लेकिन तुम्हारे साथ मेरे दोस्ती की उसका अच्छा सिला मिल गया मुझे। तुम जैसे गुंडे से दोस्ती का अंजाम बुरा ही होगा, भला कैसे हो सकता है? जाओ, चले जाओ। नलिना मेरी बात तो सुनो। स्टॉप इट, आज से मेरा नाम भी अपनी जबान पर मत लेना। नलिना तुम्हारे परिवार को कोई धोखा नहीं दिया मैंने, इस जिंदगी ने ही मेरे साथ धोखा किया। मेरा काम ही मेरा दुश्मन है, लेकिन तुम्हारी माँ को रिहा करा के रहूंगा। कोई जरूरत नहीं, जाओ। नलिना थोड़े ठंडे दिमाग से सुनो। जाओ नलिना। ए, अंदर चलो। नलिना, नलिना ओ भाई, परेशान क्यों कर दे? ए, चलो अपना काम करो। नलिना, मन से हम पहले ही अधमरे हो चुके हैं, अब तुम नहीं जाओगे तो हम खुद को जलाकर मर जाएंगे। प्लीज जाओ यहाँ से। मुकुंद, गोला। क्या माफी मांगने के लिए फोन किया मुझे? तुझसे माफी मांगूंगा, तू क्या भगवान का रूप है? ए! एक औरत को पुलिस में भर्ती करने के लिए तड़प रहा था ना, क्या हुआ? सुनो, पुलिस वाला गुंडे को बना सकता है, मगर एक गुंडा किसी को पुलिस नहीं बना सकता। एक पुलिस वाला किसी को नहीं बना पाऊंगा बोलते हो, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। मगर तू ये बात अपने जहन में डाल ले, एक गुंडा पुलिस वाले को खत्म कर सकता है। पुराना खेल है मेरे लिए, सगे बाप को मारा है मैंने, तूने मुझे पाल के बहुत बड़ी गलती की है कुत्ते, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। वैसे मैंने एक एनकाउंटर लिस्ट बनाया है, उसमें सबसे पहले किसे मौत के घाट उतारूंगा देखना अब तू। जल्दी मिलना है मुझे। थोड़ा खामोश रहिए आप लोग, क्या थोड़ी देर खामोश नहीं रहेंगे? आज मंत्री जी किसी से नहीं मिल सकते, वो एक जरूरी मीटिंग में व्यस्त है। शहर का माहौल बहुत खराब है, जनता बहुत परेशान है सर, क्या करें? अरे ये भी कोई परेशानी है क्या? हम लोगों की परेशानी गोला की वजह से पड़ गई है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो जो बोलता है कर देता है, वो गोला बारूद बन के हम सबको खत्म कर देगा। वही सोच रहा हूँ मैं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, गोला को मैं खत्म कर डालूंगा। तब तक आप लोगों को अंडरग्राउंड करने का प्लान बनाता हूँ, आपके परिवार वालों को भी कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मंत्री और फाइनेंसर को अपने थिएटर में छुपाने का बंदोबस्त करो। नलिना, ये आपसे मिलना चाहती हैं। गोला के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। मैं राम कुमार को जानती हूँ, गुस्से की वजह मैं समझ सकती हूँ। तो समझ गई ना, फिर क्या? मुझे गोला के बारे में आपको कोई सफाई नहीं देनी। गोला ने गुंडा होने की बात आपसे छुपाई, यही आपको मालूम है। उसने ये बात क्यों छुपाई, वो कैसे गुंडा बना, ये जानना होगा तुम्हें। सर, दुबई जाने के लिए फ्लाइट की टिकट, सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। हमारी किस्मत तो देखो, हमसे पैसा लेकर काम करने वाले से डरकर हमें शहर से भागना पड़ रहा है। डर नहीं रहे, बस चुप रहे, 2 दिन की बात है, देखना गोला की कहानी खत्म। गोला के मरने के बाद मैं आपकी तरफ से उस पर माला डाल के आऊंगा। कल सुबह एयरपोर्ट में मिलते हैं सर, अब मैं चलूं सर। सबको अलर्ट रहने को बोलो, गोला बारूद बन के कभी भी फट सकता है, समझे? जी सरकार। मैं गणेश बोल रहा हूँ। कौन? गोला, गणेश बोल रहा हूँ मेरे भाई। हाँ बोलो। वो दोनों इस वक्त थिएटर के अंदर छुपे हैं। हाँ। गोला, मैंने तुमसे पैसे लिए हैं, ये बात किसी से मत बोलना प्लीज। बेफिक्र रहो। ओके, थैंक यू गोला, थैंक यू।
मन बदलने के लिए गोला के बारे में नहीं बताया। दुनिया की नजर में गोला गलत हो सकता है। तुम्हारे साथ उसने कोई गलती नहीं की, उसकी दोस्ती में कोई खोट नहीं। अपने दिल में झांको तो उसे माफ करोगी। चलती हूं। रोइए मत। प्लीजर बनने की आस आती है, उससे पहले ही ऊपर का टिकट कट गया। अरे खुद ही रोएंगे तो और क्या होगा, हम क्या करें, भैया के पास सब कुछ आप ही। अरे हमारे नाच करके चले गए, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। अरे ऊपर वाला भी अच्छे इंसान को जल्दी बुला लेता है, मुझे क्यों नहीं उठा लिया। मनी माधुर अमर रहे, मनी माधुर अमर रहे, मनी माधुर। चलो 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 निकालो गाड़ी, चलो 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 निकालो, चलो करना। ये सब गोला गोला नहीं किया है, गोला अब जिंदा नहीं बचना चाहिए, गोला को मरना होगा, गोला को मरना होगा। यू आर राइट मिस्टर मुकुंद, गोला नहीं ये खून किया है, गोला को जिंदा पकड़ना होगा, गोला मुझे जिंदा चाहिए, अंडरस्टैंड। सर गोला बनरोजा के घर में ही है सर। गोला मुबारक हो, शादी मुबारक हो, वावा मुबारक हो, शादी मुबारक हो, नाचो रे गाओ झूम के, वावा मंडोलेगा, दिल से दिल बोलेगा, नाचो रे गाओ झूम के। दूल्हे का दिल धड़ता है, दुल्हन थोड़ी शर्माए, राम ने बनाए क्या जुड़े, दुल्हे ने मेहनत की है, दुल्हन ले जाने को आया है चढ़ के वो घोड़ी। वावा मुबारक हो, शादी मुबारक हो, नाचो रे गाओ झूम के, वावा मंडोलेगा, दिल से दिल बोलेगा, नाचो रे गाओ झूम के। ऐसा लड्डू है जो न खाए पछताए, और इसे खाने वाला सारा जीवन पछताए। शादी वो डोरी है, दो दिल को बांधे, इसके बिना भी जीना क्या जीना। फूलों का सेहरा, नूरानी चेहरा, सारी उम्र इसके संग
सौवा मुबारक हो, चांद सितारे खिलते हैं। के वो तो गोली तुम्हारे वास्ते हलवा रखा हुआ है, मैंने अपना खा लिया, अब तुम खाओ। सर गोला पकड़ा जाएगा। गोला के बारे में कोई खबर क्यों नहीं मिली अभी तक? आपकी खामोशी बता रही है गोला पकड़ा गया है ना सर? गोला अभी तक नहीं पकड़ा गया, गोला ने अपनी प्रेमिका नलिना को अगवा कर लिया है। इसी समाचार को आप लोग हेडलाइंस बनाए। ओके ऐसा समझती हो ना? अरे अगर मेरी बात उस दिन मान ली होती तो तुम्हारी हालत ऐसी होती? जस्ट वन डे कहा था, सिर्फ एक दिन की तो बात थी। तुम्हारी वजह से मैं और गोला दुश्मन हो गए हैं। तुझे पुलिस की नौकरी दिलाने के लिए सबसे दुश्मनी मोल ली गोला ने, अब तुम्हारी खातिर मौत को गले लगाएगा। वो ही नहीं तुम भी। नमस्कार, विशेष समाचार। गोला नाम के गुंडे ने अपनी प्रेमिका नलिना को बिना सोचे समझे गोली से उड़ा दिया और उस समय वहां मौजूद कमिश्नर मुकुंद रावत ने गोला को गोली मारी। कहानी अच्छी लगी ना? बोल, नलिना कहाँ है? बोल, मुझे नहीं पता। शर्मा मान जा, बता नलिना कहाँ है? मुझे नहीं पता। ए बोल, कहाँ है मुझे नहीं मालूम। बोल नलिना कहाँ है? बोल, बोल नहीं तो ठोक डालूंगा। नहीं मालूम। अरे भाई पता नहीं, कह तो रहा है ये। ए, 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 गोला, मैं तुम्हें बताता हूँ नलिना कहाँ है। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। तुमने कितना घिनौना काम किया है। पुलिस की यूनिफॉर्म में एक गुंडा और सरकार से तनख्वाह भी लेते हो तू। सफेद शर्ट में ही नहीं बल्कि खाकी शर्ट में भी एक छोटा सा दाग पड़े तो अच्छी तरह दिखेगा। तुम जैसा कोई एक गलती करता है मगर उससे पूरी पुलिस फोर्स बदनाम हो जाती है, मालूम है तुम्हें? डिपार्टमेंट को धोखा देने के लिए अब जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है सर। सर नलिना को मुकुंद रावत ने कहां छुपाया है पता चल गया है, तुरंत एक्शन लेना होगा। मुकुंद को अरेस्ट करने का ऑर्डर। थैंक यू सर। गोला को इनकाउंटर में उड़ा दो। सर गोला को पकड़ेंगे हम तो? मिस्टर कैनेडी, गोला का इनकाउंटर कर दो। सर Thank you.
पाला है तूने मुझे, अब एक सपेरे की मौत सांप से होगी। नहीं गोला, मुझे गोली मत मारो, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ। गोला मुझे गोली मत मारो, नहीं गोला नहीं। तो भाग भाग मुकुंद, नहीं नहीं चल भाग। मुकुंद तुझे जिंदा छोड़ा तो तू दूसरा गोला तैयार करेगा। नहीं गोला, गोला बनकर बहुत खून किए हैं मैंने। नहीं गोला नहीं, ये राम कुमार आज पहला खून करेगा। ये नहीं मुझे गोली मारो नलिना। नामी गुंडे गोला को नलिना ने गोली मार दी, ये कल की खास खबर होनी चाहिए। पुलिस जिसको पकड़ नहीं पाई, ऐसे गुंडे को एक लड़की ने गोली मारी, ये शहर तुम्हें शाबाशी देगा। एक दिन तुम्हीं ने कहा था ना कि जो गुंडागर्दी करते हैं उन्हें गोली से उड़ा देना चाहिए, तो उड़ा दो मुझे, मार दो गोली मुझे। किसी महात्मा गांधी को नहीं, एक खूनी को मार रही हो, मारो, सोचो मत। ये खून बिल्कुल नहीं कहलाएगा, कितनों का खून करने वाले गुंडे का आखिरी फैसला है। मारो, पुलिस किसी भी तरह मुझे छोड़ेगी नहीं। मेरी मौत का सहरा किसी और के सर क्यों बंधे? पुलिस वाले मुझे मारेंगे तो कोई फायदा नहीं, मैं अपने आप को मारूंगा तो कोई फायदा नहीं, लेकिन तुम मुझे मारोगी तो जिस नौकरी की तुम्हें तलाश है वो तुम्हें मिल जाएगी। मुझ जैसे गुंडे से संबंध रखा तभी नौकरी गई, लेकिन अब तुम मुझे मारोगी तो तुम्हारी नौकरी पक्की। जिस उम्मीद से तुम मेरे जरिए नौकरी पाना चाहती थी वो मुझे मारोगी तो जरूर मिलेगी, और इसी में मेरी मेरी खुशी है नलिना। तुम्हारे साथ अन्याय नहीं, न्याय समझ के चैन की नींद सोऊंगा। तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी तो मेरी आत्मा तड़पेगी नहीं। कम ऑन शूट मी नलिना। रामकुमार जब से गोला बना तब से उसे पता था कि उसकी मौत ऐसी होगी, लेकिन जिस लड़की को मैं चाहता हूं उसके हाथों से मरने का मौका दो, मुझे मौका दो। तुम्हारे हाथों मरूंगा तो मेरी जान सुकून से निकल जाएगी। मुझ पर रहम करो नलिना, मुझे मार दो। जब कोई मरीज अपनी जिंदगी से हार मानता है तो वो डॉक्टर से विनती नहीं करता क्या? उसी तरह मैं भी तुमसे विनती कर रहा हूं, मुझे मारो नलिना, मारो मुझे। गोली चलाओ नलिना, गोली चलाओ। तुम कोई रामकुमार को नहीं मार रही हो, गोला को मार रही हो, गोला को। गोला के बारूद को नष्ट कर दो वरना कहीं और जाके फटेगा। मुझे मार दो नलिना, मुझे मार दो, चलाओ गोली। अगर मेरा भला चाहती है तो खत्म कर दो मुझे। तुम्हें अपनी दोस्ती का वास्ता, मेरे साथ जो पल तुमने गुजारे उसको याद करके मेरा भला कर दो। मारो मुझे नलिना, मारो मुझे नलिना, शूट करो मुझे। तुम्हारे दिल में मैं ही हूं नलिना। नलिना